नगर निगम द्वारा किए जा रहे सफाई व्यवस्था व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधित बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था पर निगरानी के लिए जोनल अधिकारी तैनात किए जाएं और सभी अधिकारी सुपरवाइजर फील्ड में जाएं और सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। मंडलायुक्त ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था के लिए जोन बनाए जाएं और जोन में सफाई के लिए उस जगह पर रहने वाले सफाई की जिम्मेदारी होगी। नगर निगम द्वारा एक जगह पर कूड़ा पात्र रखा जाए जिसकी नियमित सफाई नगर निगम के सफाई कर्मियों द्वारा किया जाएगा। बैठक में नगर आयुक्त अंजनी कुमार ने बताया कि महानगर के 70 वार्डों के लिए सफाई के लिए 70 नोडल अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। वे अपने वार्डों में सफाई की निगरानी करते हुए अपनी रिपोर्ट देंगे। बैठक में महापौर सीताराम जायसवाल, जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर आयुक्त अजय कुमार सैनी, GDA सचिव राम सिंह गौतम, अपर नगर आयुक्त DK सिन्हा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी महोदय और हमारे ज्यादातर नगर निगम के साथी यहाँ उपस्थित किया जाए और इस नगर को कूड़े से मुक्त कैसे किया जाए इसके इसके लिए बैठक बुलाई गई है। मुद्दे तौर पर मैं अवगत कराना चाहूंगा सर कि ये नगर निगम 70 वार्ड से विभाजित है और प्रत्येक वार्ड में 35 से लेकर 37 सफाई कर्मी कार्यरत है। प्रत्येक वार्ड में इन 37 सफाई कार्मिकों पर एक सुपरवाइजर है और कहीं कहीं एक मेट भी है जो सुपरवाइजर की मदद करता है इनकी उपस्थित रहने में, उनको डिप्लॉय करने में और उनका कार्यों का निरीक्षण करने में। प्रत्येक वार्ड में कम से कम 2 गाड़ियां दी गई है जो कूड़े को कूड़े पड़ाव स्थल तक और कूड़े पड़ाव स्थल से कभी कभी डंपिंग यार्ड तक ले जाती है। हमारे पास टिपर ट्रक्स भी है जो कूड़े पड़ाव स्थल से डंपिंग यार्ड तक कूड़े को ले जाते हैं। इन 70 वार्ड को 4 जोन में विभाजित किया गया है और हमारे वरिष्ठ अधिकारी जोनल अफसर हैं, 2 हमारे अपर नगर आयुक्त हैं जोन 1 जोन 2, एक सहायक नगर आयुक्त और एक उप नगर आयुक्त, ये जोनल अफसर हैं। अब सर आपके निर्देशानुसार एक नोडल अफसर की नियुक्ति की गई है जो प्रत्येक वार्ड में एक नोडल अफसर नियुक्त किया गया है। ज्यादातर इसमें नगर निगम के ही अधिकारी या इंस्पेक्टर हैं, जेई हैं हमारे नगर निगम के, हमारे टैक्स इंस्पेक्टर हैं और 20 JDA के जेई हैं। तो JDA और नगर निगम के जेई स्तर के अधिकारी और टैक्स इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति नोडल अफसर के तौर पर की गई और जोनल अफसर उन सबके नाम और फोन नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले आप इनसे संपर्क स्थापित कर लें, अपने वार्ड में जाकर वार्ड की सीमाएं देख लें कहां से कहां तक है और वहां के सुपरवाइजर से बात करके, विशेषकर आपको प्रतिदिन जो हमारे सफाई का काम होता है जिन आवर्स से साधारणतया 7 बजे से लेकर 2 बजे तक हो रहा, तो 7 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको अपने वार्ड में जाकर काम होता है। आपको ये पर्यवेक्षण करना है कि आपके वार्ड में कहीं भी कूड़ा शेष न रह जाए। अब वार्ड में कूड़े के आगम का, कूड़े के आने के स्रोत क्या हो सकते हैं, या थोड़ा सा बैठ के विचार करेंगे तो अपने आप आपके समझ में आएगा। मैं बता दूं कि प्रतिदिन घरों से कूड़ा निकलता है जो सड़कों पे, गलियों पे और कूड़ा पड़ाव स्थल पर जाता है, तो ये तो प्रतिदिन निकलने वाला कूड़ा है जो प्रतिदिन साफ होना है। इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा होता है कि जो ये प्रतिदिन निकलने वाला कूड़ा साफ नहीं हुआ तो इसका अखबार धीरे धीरे लगता जाता है और आज में कई जगहों का कूड़ा एकत्रित हो जाता है। ये एकत्रित कूड़ा 2 जगहों पर ज्यादा देखा जाता है, एक तो कूड़ा पड़ाव स्थल पर और दूसरा खाली प्लॉट। अगर आपके वार्ड में जहां भी खाली जमीन है, खाली प्लॉट है, वहां पर कूड़ा एकत्रित रहेगा। अधिक दूर से साफ होता रहे, साथ में जो कूड़ा बहुत दिनों से एकत्रित है, चाहे वो किसी प्लॉट पर हो या सड़क के किनारे हो या कूड़ा पड़ाव स्थल पर हो, इसकी भी सफाई हो जाए, तो इसकी आपको एक कार्य योजना बनानी होगी। मुक्त कराने का वार्ड को तो नियमित रूप से निकलने वाले कूड़े के लिए अगर कोई कारगर कार्य योजना है तो फिर कूड़ा एकत्रित नहीं होगा।